दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एडुकेटर जी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ थ्रू मैप्स। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को एक एक जिले को हम लोग पूरे मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए जिले को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो की है आपका दुर्ग जिला। जी हाँ, एक हम लोग नया संभाग चालू करने जा रहे हैं। काफी समय से इस प्ले लिस्ट बोल सकते हैं या फिर इस जो हम लोग कैटेगरी बनाए हुए उसमें लेक्चर नहीं आया था। आप सभी के पर्सनल मैसेज भी काफी लोग के आए थे, काफी लोग कमेंट भी आए थे कि इस सीरीज को पूरा कीजिए। तो डेफिनेटली सीरीज को पूरा किया जाएगा आपकी, जो कि छत्तीसगढ़ टू मैप्स है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दुर्ग जिले को पढ़ने वाले। काफी इम्पोर्टेंट जिला है, लोक कलाकारों का पालना भी कहा था, क्योंकि इनसे इस जिला से काफी इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोल सकते हैं लोक कलाकारों का जन्म हुआ है, जिनका छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए एक बड़ा ही योगदान रहा है। आपके मेंस के लिए भी काफी कारगर साबित होने वाला ये लेक्चर आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि छत्तीसगढ़ संभाग की बात करें तो टोटल अभी कितने संभाग है, 5 संभाग है। पहला आपका बस्तर संभाग, दूसरा रायपुर संभाग, तीसरा आपका दुर्ग संभाग, चौथा आपका बिलासपुर संभाग और पांचवा आपका सरगुजा संभाग। इन पांचों संभाग में हमने दो संभाग कंप्लीट कर लिया है। पहला आपका बस्तर संभाग हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा हमारा रायपुर संभाग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो तीसरा संभाग हम लोग यहाँ से आज रिज्यूम करने वाले हैं, वो है हमारा दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो दुर्ग संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। पहला आपका स्वयं जिला दुर्ग, दूसरा आपका आता है राजनांदगांव, तीसरा आपका बालोद, चौथा आपका बेमेतरा और पांचवा आपका कबीरधाम। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पांचों जिलों का सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जिला है आपका दुर्ग संभाग में, वो है आपका दुर्ग। दुर्ग में पढ़ेंगे हम लोग दुर्ग जिला, जिसको हम लोक कलाकारों का पालना कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला तो हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, भौगोलिक परिचय देखेंगे, खनिज देखेंगे, केंद्र व राज्य संरक्षित स्मारक की चर्चा करेंगे, पर्यटन स्थल है कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ जो नदी यहाँ से गुजरती है, फिर जिन नदियों का यहाँ से उद्गम हुआ है, परिवहन देखेंगे, राजनीतिक परिचय देखेंगे, जो भी आंदोलन यहाँ हुए हैं वो सारी चीज देखेंगे, कुछ विशेष तथ्य है, फिर करंट अफेयर से जुड़े अगर कुछ मुद्दे हैं तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और प्रमुख व्यक्तित्व जो की काफी एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ा सेक्शन है जो कि आपका दुर्ग से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजों, इसके अलावा भी कुछ तथ्य है जिनको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एक कॉम्पैक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपका, इन सारे तथ्यों का चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में करते आए कि क्या करें, सबसे पहले मैप में हम लोग दुर्ग को लोकेट करेंगे और मैप के माध्यम समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्ग की जो आपका ज्योग्राफिकल फीचर है, ज्योग्राफिकल जो स्थिति है वो क्या है। तो वहाँ हम लोग पहुंचते हैं, हमारा आप देख सकते छत्तीसगढ़ का मैप है और इस छत्तीसगढ़ के मैप में आपका यहाँ आपका दुर्ग लोकेट होता है। तो ये सबसे पहले तो दुर्ग के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि दुर्ग आपका पूर्णतः वो क्या है, भूअवेक्षित जिला। भूअवेक्षित जिला मतलब आप सभी समझ चुके हैं अभी तक, कई बार इस चीज को डिस्कशन कर चुके हैं कि मतलब चारों तरफ से अलग अलग जिलाओं से घिरा हुआ है, ये कहीं भी दूसरे राज्यों को टच नहीं करता है। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक राजनांदगांव है, एक आपका कबीरधाम है, मुंगेली है, इधर आपका मुंगेली टच नहीं करता, बलौदा बाजार है, रायपुर है, सॉरी बेमेतरा, रायपुर और यहाँ पे धमतरी, बालोद और आपका राजनांदगांव। इसको हम लोग अलग से यहाँ भी आपको दुर्ग जिला पढ़ेंगे तो दिखाएगा। ये देखेंगे, ये है आपका दुर्ग जिला का मैप। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से 5 जिले हैं जिनको टच करता है। एक है आपका बेमेतरा, दूसरा आपका रायपुर, तीसरा आपका धमतरी, फिर आपका चौथा है आपका बालोद और पांचवा है आपका राजनांदगांव। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये निकल गया कि ये जो आपका दुर्ग जिला है वो आपका पूर्णतः भूअवेक्षित जिला है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं वो है कि नदी, तो यहाँ पे देखेंगे दो यहाँ पे नदी क्रॉस करती है, एक आपका शिवनाथ नदी जो कि आपका महानदी की सबसे लंबी आपकी सबसे बड़ी बोल सकते हैं सहायक नदी है। शिवनाथ नदी की आपकी आपको लंबाई याद रखना है जो कि आपका 290 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम भी याद रखना है, जिसका उद्गम कहाँ हुआ आपका राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील से। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, आपकी शिवनाथ नदी के बारे में याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है, ये फैक्चुअल चीजें जो बार बार रिपीट होती है। दूसरा नदी आपको याद रखना है खारून नदी, तो खारून नदी का उद्गम आपका कहाँ से है, इसका उद्गम हुआ है आपका बालोद जिले से। कहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं आपका बालोद जिला से इसका उद्गम हुआ है और डीप में जाए तो इसका बालोद जिले में आपका पेकेचुआ नाम की एक पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। उद्गम से काफी क्वेश्चन आते हैं तो ये चीजें आप बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा लेंगे।
तो दो नदी हम लोगों ने पढ़ ली, पहला आपका सिवनाथ नदी, दूसरा है आपका क्या तो खारून नदी। खारून नदी की आप लंबाई भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जो कि 84 किलोमीटर, जी हाँ 84 किलोमीटर, यहाँ तक कम्प्लीट हुआ। तीसरा आपका नदी है आपका तांदुला नदी, यहाँ पर देख सकते हैं आपका तांदुला नदी। ये जो तांदुला नदी है इसका उद्गम है आपका कांकेर से, तो कांकेर से चलती हुई आती है और यहाँ पे दुर्ग में भी आपका क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इसका अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका 64 किलोमीटर। तो तीनों का अगर आप लंबाई भी साथ ही साथ अगर याद करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं तीनों की लंबाई, और यहाँ के तीनों का उद्गम काफी इम्पोर्टेंट है। तांदुला नदी का उद्गम मैंने बताया कहा आपका कांकेर से, ठीक है। अब नदी की बात हो गई, इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे जो आपको जो नेशनल हाईवे गुजरता है, जो आपको येलो लाइन दिख रही है वो आपका नेशनल हाईवे कौन सा, आपका NH-53। याद रखेंगे दुर्ग से कौन सा है आपका नेशनल हाईवे गुजरता है, आपका NH-53। इसके बारे में जो की देख सकते, इधर आपका राजनांदगांव गांव को टच करता है, फिर आपका दुर्ग, देन आपका रायपुर को जुड़ेगा। तो ये आपका एक सीक्वेंस है NH-53 का। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ चीजों का आपको लोकेट करना चाहे तो तीन तहसील है आपको उनको लोकेट कर सकते हैं। पहला आपका खुद दुर्ग है, दूसरा आपका है पाटन। पाटन आपका जो अभी हमारे जो आपके मुख्यमंत्री है उनका आपका क्या है, विधानसभा क्षेत्र भी है। कौन सा, पाटन, भूपेश बघेल का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है काफी, दुर्ग के पाटन से वो अब उनका विधानसभा क्षेत्र है, ये काफी इम्पोर्टेंट जगह है, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। तीन तहसील की बात कर रहे थे हम लोग, कौन कौन सा, दुर्ग, पाटन और आपका तीसरा है आपका कौन सा, धमधा। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग तीन तहसील को लोकेट कर लिए, उसके बाकी चीजें आप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। कुछ औद्योगिक कारखाना की बात करें तो आपका ACC है, काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ काफी इम्पोर्टेंट है, पूरा दुर्ग आपका बोल सकते हैं एक भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है औद्योगिक दृष्टि से, पूरा ना कि दुर्ग, पूरा आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा प्लांट आपका भिलाई स्टील प्लांट है। इसको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे आगे हम लोग इसी लेक्चर में, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर आपका यहाँ पे दुर्ग में भिलाई में आपका CSV2 है, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यहाँ पे तकनीकी शिक्षा, एक है आपका काम छत्तीसगढ़ काम धेनु विश्वविद्यालय, की सारी चीजों को आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका दुर्ग का ओवरऑल मैप है जहाँ पे हम लोगों ने हर चीज को लोकेट कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है आपका रेलवे की लाइन है, उतना आपको इसको ध्यान नहीं देना है, मैंने आपको यहाँ पे लोकेट हर चीज को कर ताकि आपको हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, सामान्य परिचय की बात करें, दो चीजें हमने लोकेट की या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लिए जाननी जरूरी है। सामान्य चीज सबसे पहले सिवनाथ की पावन तट पर स्थित हमने देखा सिवनाथ नदी, दूसरा देखेंगे कि रहवंशी धरोहर नदिया नगर 1906 में आपका जिला मुख्यालय बना और 2013 में संभाग का मुख्यालय, तो दुर्ग संभाग इसका मुख्यालय कब बना थी 2013 में, ये चीज याद रखेंगे। तीसरा चीज है कि आपका भारत वर्ष के औद्योगिक मानचित्र का ताज भिलाई स्टील प्लांट किस जिला का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान है, जिस चीज का जिक्र मैंने पहले भी किया कि भिलाई स्टील प्लांट, तो उसी चीज के बारे में तीसरा लाइन समर्पित है। फोर्थ हम लोग बात करेंगे कि इस्पात नगरी भिलाई के साथ साथ मैत्री गार्डन जो कि आपका स्थित है, ये आपका हो सकते भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक के रूप में यहाँ पे मैत्री गार्डन को बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट के निर्माण के कारण ही, क्योंकि उसमें रूस का यहाँ पे अपूर्ण जो सहयोग था मदद लिया गया था। उसके बाद देखेंगे कि आपका ग्रेट ईस्टर्न रोड NH-53 जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, भारत की औद्योगिक धुरी बॉम्बे हावड़ा रेलवे इसी जिला से आपका गुजरती है, तो ये NH-53 की बात होगी। इस जिला का विस्तार आपके सिवनाथ खारून के दुआब अंचल में, ये भी हमने देखा। गठन की बात करते हैं कि कब इसका गठन हुआ, इसका गठन हुआ आपका 1 जनवरी 1906 को तीसरे जिले के रूप में, ठीक है, याद रखेंगे कि क्रम याद रखेंगे कब, तो 1 जनवरी 1906 को थर्ड जिले के रूप में दुर्ग जिले का आपका क्या हुआ, गठन हुआ। क्षेत्रफल की बात करें आपका तो 2330.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, इस चीज को भी हम लोग आगे देखेंगे पॉइंट वाइज, लेकिन आपको चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात ही आपको बता दिया गया। पॉपुलेशन की बात करें तो आपका 17,30,948 थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन, जी हाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो तो जिला है वो है आपका दुर्ग है, याद रखेंगे क्षेत्रफल से सबसे लोएस्ट है और जनसंख्या की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट है। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो ये आपका 988 है आउट ऑफ 1000 हम लोग जान रहे हैं।
साक्षरता दर है आपका यहाँ पे 79.69%। और पड़ोसी सीमा की बात करें तो आपका धमतरी, बेमेतरा, बालोद, रायपुर और राजनांदगांव, जैसा कि हमने मैप में लोकेट किया। पंचायत की बात करें तो आपका 297 ग्राम पंचायत आपके दुर्ग जिला में है। तहसील देखेंगे, 3 तहसील जो हमने लोकेट किए थे, दुर्ग, पाटन, धंधा। जनपद पंचायत देखेंगे तो आपका दुर्ग, पाटन, धंधा सेम है। नगर पंचायत देखेंगे आपका पाटन, धंधा और आपका उतई। नगर पालिका की बात करें तो आपका है अलीवारा, कुम्हारी और जामुल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नगर निगम, यहाँ याद रखेंगे 3-3 नगर निगम है दुर्ग में, कौन कौन सा, दुर्ग, भिलाई और चरौदा। तो ये तीनों डाटा आप सबसे ज्यादा याद रखेंगे, नगर निगम कौन कौन से, 3 नगर निगम, दुर्ग, भिलाई और चरौदा, काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ विशिष्ट पंचायत की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित जिला माना जाता है आपका कौन सा है, तो दुर्ग। ये चीज जितने भी विशिष्ट परीक्षा में कुछ फैक्चुअल चीजें की बात करेंगे। सेकंड देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे नगरीय जिला, ये काफी इम्पोर्टेंट लाइन है आपको, देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे नगरीय जिला कौन सा है आपका, दुर्ग है। छत्तीसगढ़ का भू आवेष्टित जिला, ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जिला है और सबसे छोटा जिला, ये सब चीज भी आप याद रखेंगे। औद्योगिक रूप से काफी विकसित जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, ये हमने पढ़ चुका है कि सबसे छोटा संभाग कौन सा आपका, दुर्ग है। 27 जिलों में सबसे क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल, याद रखेंगे कि संभाग व इसकी क्षेत्रफल इससे छोटा है और 27 जिलों के हिसाब से भी इसका क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है। वैसे अभी हमारा 2800 जिला गठन हो चुका है, तो चूंकि उसका सीमांकन और उसका क्षेत्रफल वगैरह अभी डिसाइड होना पूरा बाकी है, जो कि बाहर पूर्ण रूप से नहीं आया, तभी हम लोग भीतर में डाटा पढ़ेंगे, 27 जिलों के हिसाब से ही पढ़ेंगे और एग्जाम में भी आपके भी वही आएंगे। तो 27 जिलों के हिसाब से क्या आपका सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल जिला आपका, दुर्ग। जो 6 वन वृत्त है उसमें भी सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है आपका, दुर्ग वन वृत्त, यहाँ से क्या देखेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक क्रांति प्रधान कार्यालय कहाँ है आपका, दुर्ग में, तो औद्योगिक रूप से काफी इम्पोर्टेंट जिला है आपका दुर्ग, ठीक है। नदी की बात करें तो 2 नदी हम लोगों ने लोकेट किया, एक सिन्नाथ, दूसरा आपका खारून। और रोड की बात करें तो NH 53 जो आपका दुर्ग से महासमुंद जाता है, ठीक है। पर्यटन स्थल में आपका मैत्री गार्डन है, नगपुरा है, इन सब चीज को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। खनिज की बात करें तो खनिज यहाँ पे मोस्टली आपका चूना पत्थर के नाम से दुर्ग प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर दुर्ग के आपके नंदनी कुंदनी, जामुल, अछोली, सेमरिया, चुनकट्टा, ये सारे जगहों से आपके क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। उद्योग की बात करें काफी इम्पोर्टेंट है, इनसे कई बार आपके फैक्चुअल प्रश्न आपके CGPSC व्यापम में सीधे सीधे पूछे आते हैं। सबसे पहला था आपका भिलाई स्टील प्लांट, आपको मालूम है, उसको हम लोग आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरा हम लोग याद करेंगे ACC सीमेंट, इसको पढ़ेंगे, जो कि है आपका जामुल, दुर्ग में। तीसरा आपका देख सकते हैं आपका JK लक्ष्मी सीमेंट, ये आपका कहाँ है, तो अहिवारा, दुर्ग में। चौथा आपका JP सीमेंट, ये कहाँ है, आपका भिलाई में। पांचवा आपका भिलाई प्लांट, ये आपका कहाँ है, तेरी भिलाई में। छठवा है आपका हिंदुस्तान स्टील कारपोरेशन लिमिटेड HSCL, ये भी कहाँ है, आपका भिलाई में। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, आपका भिलाई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है, भिलाई में। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है आपका, बोरई, दुर्ग में। याद रखेंगे सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र है आपका, याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट लाइन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र आपका कौन सा है, बोरई, कहाँ स्थित आपका, दुर्ग में। ये सारे उद्योग और उनके लोकेशन आप याद रखेंगे कहाँ है, तो सब दुर्ग में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग केंद्र संरक्षित स्मारक की बात करते हैं, तो केंद्र संरक्षित स्मारक में एक है आपका, वो है कौन सा है आपका, देव बलोदा, याद रखेंगे कौन है आपका, देव बलोदा, जो कि दुर्ग का केंद्र संरक्षित स्मारक है। यहाँ क्या है आपका, भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ आपका प्राकृतिक गुफाओं का सामूहिक संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ बोल सकते हैं आपका सती का चरित्र और प्राचीन किला जो काफी प्रसिद्ध है आपके देव बलोदा का, इसके पास यही क्या आपका झलमला स्थित है, जहाँ गंगा मैया का प्रसिद्ध मंदिर है और हर 6 महीने में यहाँ नवरात्रि में एक मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं, एटलीस्ट ये याद रखेंगे केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक यहाँ कौन सा है, तो देव बलोदा है। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो आपका राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है, उसमें सबसे पहला आपका आता है नागदेव मंदिर, जो कि है आपका नगपुरा में, क्या बोलते हैं, नागदेव मंदिर नगपुरा। इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपकी आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला तो जो नागदेव मंदिर नगपुरा है, ये आपका श्रीनाथ नदी किनारे स्थित है, 11वीं-12वीं सदी में आपका निर्मित है और एक जैन तीर्थ स्थल है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा मंदिर कौन से धर्म से बिलोंग करता है, याद रखेंगे एक जैनी स्थल है कौन सा आपका, नागदेव मंदिर नगपुरा।
कुछ यहाँ पे और फैक्ट की बात करें तो प्रवेश द्वार है लगभग 30 फीट ऊंचा द्वार है जिसमें 5 नाथ की प्रतिमा लगी है, जो कि इमेज आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि 5 नाथ की प्रतिमा लगी हुई है मुख्य द्वार पे, और यह जो प्रतिमा है 4 स्तंभों पर टिकी हुई है जो कि आत्मिक प्रायश्चित के 4 जरूरी तत्व जैसे कि आपका ज्ञान, आत्मविश्लेषण, अच्छा आचरण और तपस्या को दर्शाता है। इन चारों चीजों को प्रतीक है आपका 4 स्तंभ। उसके बाद बात करें तो संगमरमर से बने इस तीर्थ स्थल में मंदिरें, गेस्ट हाउस, प्राकृतिक चिकित्सा व योग केंद्र और एक यहाँ पे खूबसूरत सा गार्डन है। यहाँ एक पूर्णिमा के दिन एक बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो याद रखेंगे कि नागदेव मंदिर नगपुरा जो कि एक राज्य संरक्षित स्मारक है और एक तीर्थ स्थल भी हो सकते हैं, आप जो घूमने जाए मंदिर और दर्शन करने के तो आप ये याद कर सकते हैं। सेकेंड है आपका शिव मंदिर जो कि ये भी आपको कहा है नगपुरा में, कलचुरी शासकों द्वारा 12वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। और ये याद रखेंगे कि मंदिर की जो बाहरी दीवार में गणेश, ब्रह्मा आदि की मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई। तीसरा इम्पोर्टेंट आपका विष्णु मंदिर, ये आपका कहाँ तो बाना बरद में, याद रखेंगे दुर्ग के बाना बरद में। इसका निर्माण करा है आपका मराठा शासकों ने कराया था, कब तो 17वीं सदी से आपका ये निर्मित है। और इस मंदिर के जो गर्भगृह है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा है, याद रखें यहाँ पे क्या विष्णु की प्रतिमा है। और इस मंदिर के समीप में क्या है, एक आपका कुंड है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या पाप मोचन कुंड के नाम से प्रसिद्ध है यह कुंड। और ऐसा यहाँ की मान्यता है कि इसमें स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है लेकिन बोल रहे हैं आपकी मुक्ति मिल जाता है, ठीक है। इस मंदिर के पास यहाँ पर बोला जाए कि बाना व्रत में गुप्त सम्राटों के 9 स्वर्ण सिक्के पाए गए। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा होगा कि गुप्त सम्राट जैसे कि कुमार गुप्त, राम गुप्त, विक्रमादित्य, इनके जो सिक्के मिले थे वो आपको कहाँ से मिले थे, दुर्ग के बाना बरत से। तो यही वो जगह है दुर्ग का बाना बरत, याद रखेंगे। और लास्ट टाइम जैसा कि आप यहाँ पे है कि वकटक वंश के राजाओं के स्वर्ण मुद्रा बाना बरत स्थान से, दोनों के जो हो सकते हैं कि जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिले थे आपके, दुर्ग के बाना बरत से। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग पर्यटन स्थल की बात करें, तो पर्यटन स्थल में सबसे पहला आपका आता है मैत्री गार्डन। काफी अच्छा गार्डन है जिसका जो निर्माण जो आपको 1972 में लगभग 111 एकड़ की जमीन में इसका विस्तार है। और इस जो गार्डन है इसका रख रखाव कौन करता है, भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि जब भिलाई स्टील प्लांट जो निर्मित हुआ था सोवियत संघ रूस के हो सकते हैं कि उनकी मदद से, तो उन्हीं दोनों के भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक के रूप में ही इस गार्डन को बनाया गया था। याद रखेंगे ये आपका मैत्री गार्डन इसका प्रतीक है, भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देश का सबसे बड़ा म्यूजिक फाउंटेन यहाँ पे लगाया गया है, कहाँ आपका मैत्री गार्डन में, ये चीज आप याद रख सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करें कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, इससे सबसे पहला आपका आएगा भिलाई स्टील प्लांट, काफी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारा डाटा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में सीधे से स्ट्रक्चर पर पूछेगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका स्थापना सबसे पहला कब, तो 1955 में, लेकिन उत्पादन की बात करें तो आपका कब चालू होता है, 1961 में। यहाँ पे देखिए दोनों डाटा दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे स्थापना पूछे तो 1955 में, लेकिन अगर उत्पादन पूछे तो आपका क्या जाएगा, 1961। उद्घाटन की बात करें तो 4 फरवरी 1959, तीनों डेट आप याद रखेंगे, 55 में स्थापना, 59 में उद्घाटन, और उत्पादन कब तो 1961 में। और उद्घाटन किया किन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे ये चारों क्वेश्चन आपका आया हुआ है, स्थापना हो गया, उद्घाटन हो गया, उत्पादन हो गया, और किनके द्वारा वो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका उद्घाटन किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा देश को समर्पित किया गया। अब इसके बाद देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है, औद्योगिक भारत का कर्णधार, भारत के आधुनिकीकरण का अग्रदूत ने आपका याद किया भिलाई स्टील प्लांट, भारत का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र भी कौन सा है, कौन है आपका, तो भिलाई स्टील प्लांट, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की, भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ की समृद्ध भारत के लिए भिलाई स्टील प्लांट भारत सोवियत संघ की मित्रता का अद्वितीय उपहार है। याद रखेंगे क्या हम लोग बात कर रहे थे कि भारत और रूस के मित्रता का ही प्रतीक है मुख्यतः तो भिलाई स्टील प्लांट, जो इतना बड़ा और इतना विशाल और इतने प्रकार का अच्छा है और स्टील प्लांट का यहाँ पे निर्माण हो सका, तो उसका एक कारण था भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक। स्वतंत्र भारत का छत्तीसगढ़ को पहला औद्योगिक उपहार है, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र उसके बाद छत्तीसगढ़ को मिला एक अद्वितीय जो पहला उपहार है भिलाई स्टील प्लांट, आदिवासी जीवन मूल्यों को इसने क्या क्या संवारा है,
और बारामूला रेलवे के लिए रेल पाथ तैयार करने का वैश्विक रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज है। यहाँ काफी इसका ज्यादा उत्पादन है। अगर उत्पादन के वर्तमान में बात करें तो लगभग 4 मिलियन टन इस्पात या वार्षिक इसका उत्पादन क्षमता है यहाँ पे, तो लगभग 4 मिलियन टन, और इसको 11 बार पीएम ट्रॉफी प्राप्त हो चुका है। बीएसपी के कर्मचारियों के लगभग 1000 बिस्तर वाला जवाहर नेहरू चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है, और रूस के सहयोग से निर्मित होने के कारण रूस और भारत की मित्रता की प्रतीक स्वरूप मैत्रीबाग गार्डन एवं चिड़ियाघर भिलाई में स्थापित अपना किया गया। ये चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट करेंगे ताकि जहाँ पे भी इस चीज का जिक्र हो हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ताकि छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल इस चीज को आप ध्यान में दिमाग को बैठा लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो दूसरा औद्योगिक विकास केंद्र है, सेकंड देखेंगे औद्योगिक विकास केंद्र पर क्या है, बोरई दुर्ग में। ये चीज इसको भी हम लोगों ने, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित औद्योगिक विकास केंद्र है कौन सा, आपका बोरई दुर्ग का। ये स्थित कहाँ है, तो आपका ये आपका औद्योगिक विकास केंद्र आपका दुर्ग बाईपास, यहाँ जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर दुर्ग से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्थापित है। इसका मैप भी मैंने आपके साइड में आपको दिया हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपने खुद की जानकारी के लिए आपको देखना है थोड़ा सा देख सकते हैं, आप जब भी विजिट करें तब कुछ इन केस के लिए, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट याद रखेंगे कि सबसे क्या विकसित औद्योगिक विकास केंद्र है। तीसरा हम लोग देखेंगे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसीसी की बात की थी हमने, तो एसीसी दुर्ग ये है कहाँ आपका, स्थापना हुआ इसका 1965 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्थान भी पूछा गया कहाँ आपका, जामुल दुर्ग में। इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1.58 मिलियन टन जो कि वार्षिक है, याद रखेंगे 1.58 मिलियन टन वार्षिक इसकी उत्पादन क्षमता है। इसका मालिकाना हक की बात करें तो आपका जामुल सीमेंट वर्क्स JCW है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी इसका फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला आपका सीमेंट कारखाना कौन सा है, आपका ACC जामुल दुर्ग। ये लाइन आपका 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका होगा ये, और आपका स्थापना, तो सारी चीजों को आप क्या करेंगे काफी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं से कम्प्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आने वाला है वो दुर्ग के ऊपर ही आएगा, उसमें हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। काफी सारे इसमें से प्रमुख व्यक्तित्व हैं दुर्ग से, जैसा कि लोक कलाकारों का पालना कहा गया है, उन सभी प्रमुख व्यक्तियों को क्यों याद किया जाता है, उनका क्या योगदान है वो हर क्षेत्र में, और किस प्रकार से उनसे प्रश्न एग्जाम में आपके बन सकते हैं, तो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ देखेंगे कि दुर्ग में कौन कौन सी जनजातियां हैं और दुर्ग से जुड़े हुए जितने भी कुछ विशिष्ट महत्व की चीजें, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप अगर इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपको मिल सके, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।